करना होगा। प्रियंका के पास अब केवल जेड प्लस सिक्योरिटी होगी। 23 साल से लोधी रोड स्थित बंगले में प्रियंका रह रही हैं। गृह मंत्रालय ने बंगला खाली करने का आदेश दिया है। प्रियंका गांधी यूपी में अब अपना ठिकाना बनाएंगी। अब प्रियंका का लखनऊ में नया ठिकाना होगा। आपको बता दें गोखले मार्ग स्थित कॉल हाउस में रहेंगी। अब कॉल हाउस में प्रियंका भी रहेंगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रवि सराफ हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। रवि, जिस तरह से गृह मंत्रालय का आदेश आया उसके बाद बंगला खाली करेंगे और इसके साथ ही लखनऊ में अब नया ठिकाना। बिल्कुल शैलेंद्र, देखिए अब बंगला खाली करने का आदेश आ चुका है और जाहिर सी बात है प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की राजनीति कर रही है, वहां से वो प्रभारी उत्तर प्रदेश की, तो ऐसे में अब नया ठिकाना उत्तर प्रदेश में होगा प्रियंका गांधी का। वहीं से कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर वो हमला बोलेंगी, तमाम कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगी, क्योंकि अब एक महीने का समय बचा है जब प्रियंका गांधी वाड्रा को अपना आवास दिल्ली में जो लोधी रोड में मिला हुआ है वो खाली करना पड़ेगा, क्योंकि पहले उनके पास एसपीजी सुरक्षा थी, एसपीजी सुरक्षा के तहत ये आवास उनको अलॉट हुआ था। अब कहीं ना कहीं जेड प्लस में ये आवाज नहीं आता, ऐसे में उन्हें आवाज खाली करने का आदेश दे दिया गया और संकेत भी बिल्कुल साफ हो गए हैं कि प्रियंका गांधी अब उत्तर प्रदेश में ही रहेगी, वहीं से वो अपना कुछ काम कुछ साथ काम करेगी और जितना राजनीतिक जो उनका कार्यक्रम है उत्तर प्रदेश में ही तय होगा। और उत्तर प्रदेश को लेकर लगातार प्रियंका गांधी वाड्रा सक्रिय है, लगातार हमला करते रहती सरकार के ऊपर और क्योंकि प्रभारी भी है वहां से, तो ऐसे में जिम्मेदारियां उनके ऊपर है, तो अब कहीं ना कहीं नया ठिकाना प्रियंका गांधी वाड्रा का। रवि, लेकिन मामले पर सियासत भी तेज हो गई है, कांग्रेस के कई नेता इस तरह से बंगला खाली कराने को लेकर सरकार पर हमला भी कर रहे हैं। लाजमी सी बात है शैलेंद्र, देखिए जब एसपीजी सुरक्षा जब गांधी परिवार से वापस ली गई थी उस समय भी तमाम कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है, दिग्गज नेता है, सभी लोग कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे थे कि सुरक्षा वापस ली जा रही है, अब ऐसे में आवास सरकार वापस ले रही, तो तमाम जो कांग्रेस पार्टी के नेता है वो आवाज बुलंद कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सरकार जो है बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है, हम लोगों ने नहीं किया था जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तब हम लोगों ने किसी से बदले की भावना में कार्रवाई नहीं किया था, और इस तरह का कि आवास छीन लेना, सुरक्षा छीन लेना, तमाम तरह की बातें कांग्रेस पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो लगातार कर रहे हैं, सरकार के विरोध में कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं कि सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है, प्रियंका गांधी का घर वापस लेने की बात कर रही है, जबकि हम लोगों ने किसी का घर नहीं छीना था, सब लोगों के आगे समन्वय। बिल्कुल रवि, अब मामले पर भले ही सियासत तेज हो गई हो लेकिन फिलहाल अब यहाँ पर लखनऊ में नया ठिकाना प्रियंका का बनाने की तैयारी हो गई है। प्रियंका गांधी इंदिरा गांधी की पोती हैं, राजीव गांधी की बेटी हैं। ना प्रियंका गांधी और ना कांग्रेस नेतृत्व इस प्रकार के फर्जी नोटिसों से डरने वाला, एक नहीं 100 मकान खाली करवाइए परंतु इस देश की आवाज बनने से आप हमें रोक नहीं सकते।